हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बिल्कुल बढ़िया हो गए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे APKS के बारे में। हमने अक्सर सुने, हमें बोला जाता है कि अपनी ऐप को सिर्फ एक ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड करो, मतलब प्ले स्टोर से, उसके अलावा उनको कैसे मैं डाउनलोड करो, ये आपके स्मार्टफोन के लिए डेंजरस है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि क्या सच्ची हमारे स्मार्टफोन के लिए डेंजरस है कि नहीं है। ऊपर देखे बोलने में मेरे को आंसर जरूर देना कि आप क्या APKS वगैरह डाउनलोड करते हो इतना कि नहीं करते हो, मतलब आप सिर्फ अपने ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो कि कभी कभी क्रोम से कोई APK उठा के उसको डाउनलोड कर लेते हो। तो चलो फिर करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे। अगर मैं बात करूं APKS की, मैं एग्री करूंगा कि आप अपने स्मार्टफोन में अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो उसको एक ट्रस्टेड सोर्स मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। जैसे हमारा Redmi Note 7 है, अब Redmi Note 7 में मी के इतने सारे ब्लोटवेयर्स ऑलरेडी होते हैं, जिसमें से एक ब्लोटवेयर है MI की खुद की ऐप गेट ऐप्स। मैं अपनी ऐप्स उससे डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं अपनी ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि APK डेंजरस हो सकता है। बट अगर हम डेंजरस की बात कर रहे हैं, कुछ APKs डेंजरस होते हैं, कुछ APKs डेंजरस नहीं होते हैं। अब वो हम कैसे जाने कौन से APK डेंजरस है कौन से APK नहीं डेंजरस है? सबसे पहली बात तो अपने माइंड से ये निकाल दो कि आपके स्मार्टफोन में अगर आपने किसी और सोर्स से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी, आपके फ़ोन में वायरस आ जाएगा, आपका फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढकाना। सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो। जो अपने माइंड में जो चीज़ रखनी है वो ये रखनी है कि जब आप किसी भी APK को डाउनलोड कर रहे हो उसकी परमिशंस पे फोकस करना है। कि जैसे एक एग्जांपल हो, आपने डाउनलोड की, मान लो कोई म्यूज़िक ऐप डाउनलोड की, ठीक है, मान लो स्पॉटिफाई प्ले स्टोर पे थी, बट हमने उसके अलावा हमें एक और म्यूज़िक ऐप मिली जो कि स्पॉटिफाई नहीं है बट कोई म्यूज़िक ऐप है, मान लो कोई म्यूज़िक ऐप आपने डाउनलोड की। अब वो म्यूज़िक ऐप आपसे आपके जब आपने उसको डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, आप उसको आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने उसको जब आप उसको स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपसे परमिशंस मांग रहे हो, और उस परमिशन में आपसे वो आपकी कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांग रहे हैं, या बोल लो आपसे आपकी गैलरी की परमिशन मांग रहे हैं, तो वो ऐप आपके स्मार्टफोन के डेंजरस है। क्यों? क्योंकि वो ऐप आपका डेटा चोरी कर सकती है। अब खुद ही सोचो, एक म्यूज़िक ऐप को गैलरी की क्यों चाहिए परमिशन, या एक कॉन्टैक्ट्स की परमिशन क्यों चाहिए? तो वो ऐप डेंजरस है। वायरस तो मतलब आजकल के स्मार्टफोन्स में आ ही नहीं सकता, कि गूगल प्ले प्रोटेक्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको लगेगा आपकी इस ऐप में प्रॉब्लम है वो उस ऐप को ब्लॉक कर देगा, वो उस ऐप को डाउनलोड के बाद इंस्टॉलिंग होने नहीं देगा। तो फिर कोई APK डेंजरस नहीं होता। आप करो यार डाउनलोड थर्ड पार्टी सोर्सेस एप्लीकेशंस, बट सिर्फ परमिशंस का ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर क्या होते हैं परमिशंस पढ़ते नहीं, हम अलाउ करते रहते हैं। हर बार परमिशन को अच्छी तरह रीड करो। अगर आपको लगता है कि ये परमिशन हमें नहीं देनी, उसको डिनाई कर दो, मत दो परमिशन, और अगर वो ऐप एग्जिट होगी तो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, वो ऐप आपके स्मार्टफोन में डेंजरस है। इसलिए बोला जाता है कि थर्ड पार्टी सोर्सेज से अपनी एप्लीकेशन को मत डाउनलोड करो, सिर्फ एक ट्रस्टेड सोर्स जैसे कि प्ले स्टोर उससे डाउनलोड करो। रीजन बीइंग, क्योंकि लोग अक्सर परमिशन पर इतना ध्यान नहीं देते, और प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन आती है प्ले स्टोर उनको रीड करके अच्छी तरह परमिशंस ग्रांटेड कौन सी प्ले स्टोर, एक वेरिफिकेशन करके उन एप्लीकेशन को लेके आता हूँ। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि इस तरह का अमेजिंग कंटेंट आता रहता है। सब्सक्राइब करें बिना मत जा, चीज के लिए नोटिफिकेशन को भी दबा दो ताकि आप पर वीडियो की नोटिफिकेशन पाओ। वायरल कर दो वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव के बीच में ताकि ये नॉलेज हर तक पहुंचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पीस।